मतलब बनाएंगे क्या? सबसे पहले नहावा के रेडी हो गए, से छोटे बच्चे रेडी नहीं जाते, ऐसा होता है। जैसे जो फैजल ने मुझे ईदी पे लिया था उसका और ये मेरी ईदी। गुड नाइट, आज की वीडियो गुड नाइट शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और मैं लग रहा हूँ पुरानी फिल्मों का जैसे गुंडा भी नहीं कह सकते, हीरो भी नहीं बोल सकते अपने आप को। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये अपनी बातों में लगे पड़े हो तुम लोग। आज ये लोग बटला हाउस गए और भाभी खो गई, भाभी पर्स चोरी हो गया, मम्मी का पर्स चोरी हो गया, लेकिन अच्छा 200 रुपए दस में है। चलो सदका चलाया गया, कहने का मतलब ये है सदका, चोर को सदका देंगे हमें। अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारी जेब से तो चला गया ना, अब हमने नियत करेगा सदका, हम नियत करेंगे नियत, सदका चला गया, सदका चला गया। चले अब तैयारी हो रही है ईद की, बाहर चटनी किसकी बन रही है, उसका इमली की चटनी बन रही है और सीर के लिए काजू बादाम पिस्ता मखाने ये सब काटे जा रहे हैं। काजू बादाम मोहब्बत का रिश्ता, पिस्ता नहीं खा, पिस्ते में अच्छा, अरे नहीं वो जो तोड़ के खाते हैं ना वो तल कर नमकीन होता है ना, उसमें डालते थे किसमें पिस्ता, हाँ किसी में डालते होंगे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस टाइम, मैं तो वर्किंग हूँ, काम कर रहा हूँ अभी भी, और ये भी वर्किंग है, ये किचन में वर्किंग है। और मुस्कान मेरे कुर्ता पजामा है, मुस्कान दिखा जल्दी ले जाओ, चलो लाए जाए कुर्ता पजामा। गुड़िया के कपड़े जो मैं सीलमपुर से लाया था वो सिल के तैयार हो गए हैं और वो कल पहन के दिखाएंगे। और ये मेरा कुर्ता पजामा और ये मेरा दुपट्टा, क्या बोलते हैं क्या कर रही है ये, क्या देखो ये पर्दे नहीं डले हुए, सॉरी इसको इग्नोर करना, उधर मैंने डले हुए हैं अभी, वो धुल गए अभी परहेज होकर आएंगे। ये मेरा कुर्ता पजामा अभी नहीं, ब्लैक है क्या है, सही लग रहा है ना, मैं लेके जाऊंगा इसको ना। एफ जी क्यों लिखा हुआ भाई यहाँ पे, तो उससे क्यों नहीं लिखा है, ओ भाई सही लगेगा, सर पे बांध देना, लेकिन इसको गले में लाकर कहीं घूमूंगा, अरे नहीं गले में नहीं डालूंगा, सर पे बांधूंगा। चलो अब मुस्कान का काम शुरू करें, दही बल्ले का है, दही बल्ले बन रहे हैं, रस्ते पे चटनी वटनी सब पिसाई है यहाँ पे, रात को सब करके सो जाएगी, दिन में रात में काम करेंगे दिन में सोएंगे इधर अगले दिन, ठीक है। चलो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, सिल पत्थर पे पीस के हमने, अगर सिल पत्थर पे पीसते तो कितना टाइम लगता है मुस्कान, बढ़िया मुस्कान को 2-3 घंटे फटाफट काम कर दिया। अगर मुस्कान तू सिल पे पीसते कितना टाइम लगता तुझे, हाथ फूल जाते तेरे, सुबह तक बनाएंगे क्या, इतना साला घोल घोल लिया तो खाने लगी भैया, साढ़े 4 बजे सुबह के हलवाई के यहाँ होते तो तुम मेरे हिसाब से लखपति तो बन गई होती, करोड़पति के लिए ना वो एक एच पॉकेट में सरिता बैग में बेचारा उल्टे हाथ से बनाता है वो लखपति है, वो तो दिन रात बनाता है, तो फिर भी मैंने अप्रिशिएट किया है, खुश हो जा। सुबह के 7 बज रहे हैं, फैजल सबसे पहले नहावा के रेडी हो गए, छोटे बच्चे रेडी नहीं जाते हैं कि अब जाए कुछ मेले में कुछ वो मिलेगा, जलेबी मिलेगा ऐसे सबसे घर में छोटी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, अभी नहावा के तैयार होगा खुश हो जाएगी। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, हो गया मस्त लग रहा है, मैं तैयार, मुस्कान ये दुपट्टा से लाई थी, मुझे जैसे बांधना है बांध लिया मैंने और तुम जो की तरह, और ये यहाँ चल रही है मालिश,
तेल मालिश। तेल कहाँ गया? टाइम हो रहा है 7:15 और दुकाना जो है वो है, फिर नमाज बोला जाता है वो है 8:15। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, मैं तो हमेशा लास्ट बाद में मिलता है जब आ जाते हैं। सलाम कर दो सबको, अब बोलो ईद मुबारक सबको। हेलो सलाम, देखते रहेगा, पापा को दे दो, अब बुला रहे हैं दादू के पास। सुनो ना, कल ये मेरा ड्रेस है जो फैजल ने मुझे ईदी पे दिया था, मतलब ईदी गिफ्ट किया है मुझे। मैं अब वैसे डरा देते हो मुझे, लो अभी तीन बार लगा चुके हैं, पड़ा तीनों बार सही नहीं लगा। आप ठीक है? चलो बच्चा की ईदी नहा के धो के नहीं आए। हाँ बेटा, आपको भी चाहिए ईदी, अभी तो ले ली थी आपने ईदी, दोबारा लोगे ईदी? नहीं बेटा, नहीं छोड़ो इसको, छोड़ो अभी नया चार्जर है, वो ऑफिस वाले मेरा गर्दन पकड़ के खींचेंगे कि अभी नया चार्जर है। खुश हो मुस्कान, माँ ऐसी ना नहा ले जाकर जुराब में से पैसे बाद में निकाल लियो। अल्लाह अब तो रखेंगे नहीं रखे, नहीं मुझे रखे नहीं है। अरे उसका इतने दिन पैसे कैसे कर। दुनिया तैयार होके घूमने जा चुकी है और ये अब तैयार हो रही है, और ये बहुत प्यारा सा ड्रेस इंसान के घर से आया था, उससे बहुत प्यारी लग रही है। वापस 200 साल से कीड़े के नाप का कीड़े के नाप की रिंग आई है। अब तक तो गायब बिल्कुल, रूबी डायमंड आई है। बीरे क्या कर रहा है मेरा बेटा, छोटा सा चलते हैं छोटे दादू के घर। ठीक है, ईद हो और किसी के घर ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ईद घर घर में पड़े पड़े ऐसा अजीब से लगने लगता है, इसलिए हम जा रहे हैं चाचा के घर, और अबीर जा रहा है अपने छोटे दादू के घर। यार क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं जाऊंगी सफाई करने। आओ जल्दी आओ, चलो एक दो तीन, ये नमकीन वो भी नमकीन, क्या है दही है क्या? दही बड़े नमकीन नहीं तो आते हैं, दूंगा ना। हाँ ये तो है, और ये मेरी ईदी की वीडियो हो गई थी, ठीक है तो 28 मिनट वीडियो हो गई थी। क्या मैं रोज ही लेट लेट वीडियो बनाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता तो क्या करूँ फिर? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने को बता रही हूँ। मैं ठीक है, छत पे मैंने कहा था फैर को छत पे चलने के लिए, लेकिन आके जब मैं आया आप सो रहे, तो आपने मेरा गाल बैठ के इंतजार किया था यहाँ पे, इंतजार किया आप सो रहे, मैं सो गया जब मैं उठा मुस्कान सो रही। कोई ना कोई सो जाए, कोई ना कोई सोता ही, और तीनों जगह है तो मन में ही है, चल सकते हैं वैसे भी तो। नहीं जा कोई नहीं, चलो मैं आता हूँ, ठीक है ना, ऑफिस जा रही हूँ, एसी चला रहने देना अपना, आराम से बैठना, ठीक है ना, चलो आते हैं, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, और अपनी ससुराल देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं, मुझे ऐसा बोलूँगा ये बैठ जाए। चलो क्या छुपा दिया, तो कुर्ता पजामे कहाँ है? ईद पे ऐसे रहेगा? सलाम करा तूने मुझे? सलाम किया था? कब किया था? इधर है, यहाँ सामने खड़ा हो। ईद ही नहीं चाहिए तुझे? ईद ही नहीं चाहिए? इधर आ, इधर इधर पैसा ले, क्या बोलते हैं उसे भैया ईदी को? परवी, परवी नहीं ली तूने मेरे से? खून है कहाँ है खून? ले ले, 20 रुपए हैं, 10 नहीं है, जा। रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं और मुस्कान और गुड़िया सो गए हैं। ऐसे दिन में कुछ खास तो हुआ नहीं, ईद एज वेल एज दिल्ली में एक फ्लैट के अंदर कैसी हो सकती है, शायद वो फ्लैट में रहने वाले से पूछो, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे थे, चाचा वाचा बराबर में ही रहते हैं, तो
को उनके घर आना जाना भी हुआ था। बाकी मम्मी पापा फप्पो के घर चले गए थे और मैं भी शाम 3 बजे से ही निकल गया था और मम्मी के यहाँ गया था मिलने के लिए। मम्मी तो गांव गई हुई है, रूबी हॉस्पिटलाइज है तो उसके कान का जो ऑपरेशन हुआ है। और आज मैं सोया भी नहीं हूँ, कल से ही नहीं सोया हूँ, मुश्किल से आधे घंटे दिन में सोया था और ऑफिस गया 5-6 घंटे के लिए। फिर मैं आ गया, मेरी शिफ्ट क्या नाम है जब तक है, जब तक मैं एक्टिव हूँ 3-4 बजे तक, उसके बाद देखते हैं कि मैं जो है सोता हूँ, फिर कल हो सकता है रूबी के पास जाना पड़ जाए उसके हिसाब से। बाकी नींद तो पूरी हो ही नहीं रही है। आँखें देखो, कल बाल भी कटवाने बहुत बड़े हो गए, अगर मैं चलाऊँ तो बहुत आगे तक आ जाएंगे, बुरे लेंगे। चलो आप सभी को भी हैप्पी ईद, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए बाय, गुड नाइट।